हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। कैसे हो आप सब लोग? मेरी आवाज आ रही है सबको? एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। सो वी विल स्टार्ट विद द सेशन एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इवेंट्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे से शुरुआत करेंगे। आज का इंपॉर्टेंट डे तो नहीं है, बट 8th of May मींस कल का इंपॉर्टेंट डे है, उसके ऊपर बात कर लेंगे, वो डिस्कस करेंगे। फिर विल टॉक अबाउट सम एमसीक्यूज। आज थोड़े ज्यादा एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं और इंपॉर्टेंट है, एंड देन विल स्टार्ट विद द करंट अफेयर सेशन, जहां पे इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट न्यूज एज वेल एज स्पोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, बुक्स एंड ऑथर्स, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमारी बात होगी, हमारा डिस्कशन होगा। तो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, एक क्वेश्चन पूछा गया था हमारे दोस्त के द्वारा, ALT कॉइन, अल्ट कॉइन या अल्टरनेट कॉइन, ये बिटकॉइन के लिए जो बाकी अल्टरनेटिव्स होते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, देयर आर सो मेनी क्रिप्टो करेंसीज, सो बिटकॉइन इज वन ऑफ द वेरी फेमस क्रिप्टो करेंसी। सो उसके लिए जो अल्टरनेट क्रिप्टो करेंसी, उसके लिए हम ALT कॉइन, ऐसा बहुत बार न्यूज़पेपर्स के अंदर या ऐसा कई बार अलग अलग फाइनेंशियल पोर्टल्स के अंदर मेंशन किया जाता है। सो वो कोई रेगुलेटरी टर्म नहीं है, वो नॉर्मली क्रिप्टो करेंसीज के लिए यूज की जाती है। देन आपने INX के बारे में पूछा, वो इंडियाज इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो गिफ्ट सिटी के अंदर बनाया गया है। 2017 में इस स्टॉक एक्सचेंज ने काम करना शुरू किया, इंडियाज इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब भी एक्स लिखा होता है फाइनेंशियल टर्म में, तो याद रखिएगा इट्स कॉल्ड एक्सचेंज। आपके लाइफ में एक्स का मतलब शायद कुछ और होगा, वहां पे हम हाथ नहीं डालेंगे, वहां पे हम बात नहीं करेंगे, पर जब फाइनेंस की बात आती है तो एक्स अगर लिखा है तो मोस्टली एक्सचेंजेस के एंगल में, स्टॉक मार्केट्स के एंगल में ये वर्ड लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वी विल स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहले बात करते हैं कल मींस 8th of May को इंपॉर्टेंट डे जो था, वहां पे हम बात करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, ये टेलीग्राम चैनल है जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हो। बाय द वे, दो टाइम पे हम लोग यूट्यूब पे आपके साथ मुलाकात करते हैं। एक वक्त होता है जहां पे इस मॉर्निंग सेशन में हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं, और 3 बजे स्पेशल सेशन फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। अभी फिलहाल RBI ग्रेड बी को फोकस करते हुए, RBI ग्रेड बी के ऊपर ध्यान देते हुए हमारे कुछ सेशंस चल रहे हैं। आज भी कुछ MCQs हम डिस्कस करने वाले, और आज करंट अफेयर्स के MCQs है, स्टेटमेंट बेस्ड MCQs है, तो बिल्कुल आइए अगर आप अच्छे से उसे स्टडी करना चाहते हैं तो 3 बजे ये सेशन रहेगा। इसके अलावा 2 बजे हमारी फ्री मास्टर क्लासेस होती है, 11:30 बजे जहां पे करंट अफेयर्स के डेली MCQs डिस्कस करते हैं, और 2 बजे हम लोग MCQs ऑन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, या फिर फाइनेंशियल समाचार, बेसिकली फाइनेंशियल समाचार, कभी न्यूज डिस्कस कर लेते हैं, कभी MCQs डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 बजे और 11:30 बजे ये तो हमारी फ्री मास्टर क्लासेस है। 10 बजे 10 AM हमारी पेड एक मास्टर क्लास रहेगी, जहां पे हम बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस को डिटेल में स्टडी करते हैं, तो आप उसे भी अटेंड कर सकते हैं। सो ये एक जानकारी जो आपको होना जरूरी है। चलो अब स्टार्ट करते हैं MCQs के साथ। आज के MCQs इजी भी है, बट एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग है। अच्छे से पढ़िएगा हर स्टेटमेंट को, रीड केयरफुली, क्योंकि काफी काम में आपको आएगा। तो स्टार्ट करता हूं वक्त ना जाया करते हुए। पहला MCQ आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये तो बहुत ईजी है, आप सब लोग इसका आंसर कर पाएंगे। जी दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज रिलीज एनुअली बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यस, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF की बात करेंगे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इस अथॉरिटी के द्वारा ये रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाता है। एवरीवन नोज इंडिया का रैंक थोड़ा नीचे आ गया है, 161 पे इंडिया का रैंक है, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब ना यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, रैंकिंग तो ठीक है, हम सब लोग रैंकिंग पढ़ ही लेते हैं और पढ़नी भी चाहिए, पर किस बेसिस पे दिया गया, क्या बेसिस है इस रैंकिंग को देने का या इस इंडेक्स को देने का,
तो एक है पॉलिटिकल, पहली कैटेगरी पॉलिटिकल, दूसरी लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का मतलब जहां पे लॉ बनता है, देन इकोनॉमिक, देन सोशियो कल्चर एंड द सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट। सो कितना हो गया, 5 कैटेगरीज के भरोसे ये दिया जाता है। प्लीज यहां पे ध्यान रखिएगा, बिकॉज आज के डेट में एग्जाम में अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना है तो कैटेगरीज को लेके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी सबसे टॉप मोस्ट कंट्री तो नॉर्वे है, वी नो अबाउट दैट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की भी इंफॉर्मेशन यहां पे मेंशन की हुई है, सो दिस इज फॉर योर अवेयरनेस, फॉर योर रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये भी बहुत चर्चा पे रहता है, पॉस्को एक्ट, कई बार इसके बारे में मेंशन किया जाता है। सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पॉक्सको एक्ट, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी बहुत मैटर करेगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, प्लीज अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज द फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव लॉ डीलिंग स्पेसिफिकली विद द सेक्सुअल एब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, द एक्ट डिफाइंस अ चाइल्ड एज एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 14। चलो एट अंडर द एज ऑफ 14, आपका कहना है कि ये रॉन्ग है, तो क्या एज रहेगा, कोई बताएगा मुझे? अंडर द एज ऑफ 14 नहीं, एज थोड़ा सा अलग रहेगा, तो व्हाट विल बी द एज, कैन यू टेल मी द एज? जी हाँ, बहुत बढ़िया, आपने 18 लिखा है, आपका एकदम पॉइंट सही है। सो एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 डिफाइंड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, ओके। और जनरल न्यूट्रल है, ये मत समझिएगा कि सेक्सुअल ऑफेंस में केवल लड़कियों की बात की जाएगी, नहीं, जब चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज की बात होती है तो जेंडर न्यूट्रल रहता है, मेल फीमेल दोनों के लिए सेम तरीके से लॉ बनेगा। सो अब ये जो लॉ बनाया गया, इसको 2012 में इनैक्ट किया गया, जिस एक्ट की मैं बात कर रहा था, इसे 2012 में इनैक्ट किया गया, और यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, इस लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्टर मैम का नाम एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है, इस एक्ट को इस मिनिस्ट्री द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, यह भी बहुत जरूरी पॉइंट रहेगा। बाकी तो ठीक है, बाकी हाँ एक पॉइंट रह गया, ये 2019 में इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था, स्पेशली फॉर जो पोर्नोग्राफी होती है ना, के अब देखिएगा, द प्रोवाइड्स लेवी फाइंस एंड इंप्रिजनमेंट अप टू 20 इयर्स टू कर्ब द चाइल्ड पोर्नोग्राफी। सो चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर करते हैं तो 20 साल तक की सजा हो सकती है, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिए। लास्ट टाइम इसके ऊपर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने साल की सजा है, साथ में फाइन भी बैठेगा। 2019 में इस अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट किया गया, तो अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, उसे अगर शूट करके दर्शाया जाता है, तो उस पर्सन को या उन लोगों को 20 साल तक की सजा गवर्नमेंट दे सकता है, मींस हमारा लॉ दे सकता है, हमारे जुडिशरी दे सकती है, ऐसा यहां पे मेंशन किया गया, दैट विल बी इनफ। चलो दोस्तों नेक्स्ट, तो यहां पे आंसर क्या बन जाएगा, 1 ओनली, दूसरा रॉन्ग है बिकॉज एज गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर में काफी ट्रबल चल रहे थे, अभी भी है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है, तो उसी को लेके क्वेश्चन यहां पूछा गया। चलो मैं ना आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ये एक कम्युनिटी है और इनका लैंग्वेज भी है, दिस इज वन ऑफ द कम्युनिटी, दे आर द नॉन ट्राइबल कम्युनिटी। तो मणिपुर के अंदर कोर्ट के डिसीजन के बाद ये डिसाइड किया गया कि इस कम्युनिटी को भी ट्राइबल स्केड्यूल ट्राइब के अंदर कंसिडर करके इनको या रिजर्वेशन दिया जाए। तो जो बाकी कम्युनिटीज है, कुकी कम्युनिटीज है, नागा कम्युनिटीज है, दे आर द ट्राइबल कम्युनिटीज, वो मोस्टली हिली एरियाज में रहते हैं, दे स्टार्टेड द अपोज, दे उन्होंने अपोज करना स्टार्ट कर दिया, और उसी अपोज के दरमिया ये वॉयलेंस स्टार्ट हो गया, जिससे बड़ा इशू आ गया। सो ये कम्युनिटीज के बीच के वॉयलेंस को काफी ज्यादा बड़ा किया गया कुछ यूजलेस लोगों के द्वारा नॉर्मली, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। सो जी हाँ, वन ऑफ द प्रोमिनेंट जो ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है, वो ये कम्युनिटी है के, और इनकी अपनी लैंग्वेज भी बड़ी फेमस है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज भी मानी जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए अब मैं आपको बात बता रहा हूं कि जब भी कोई निगेटिव न्यूज होती है, जैसे वॉयलेंस हो गया मणिपुर के अंदर या कहीं पे कुछ, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिएगा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन यहां पे बनाया गया है, और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि इश्यू कुछ और चल रहा था, उस इश्यू में से एग्जाम के लिए क्या बन सकता है। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस कई बार न्यूज में होती है, और जिस कम्युनिटी की बात की गई है वही ऑफिशियल लैंग्वेज भी है उसी नाम से। सो चलो पूछ लेते हैं क्वेश्चन, सो इन दैट वे दे कैन आस्क द क्वेश्चन। सो हमारा प्रॉब्लम कई बार क्या होता है,
जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम वो निगेटिव न्यूज में इतना खो जाते हैं कि उसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम समझना भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, देखिए वर्ड मैंने यूज किया, तो उससे हमें ना एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि यार क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जब हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो हम उस टॉपिक को पढ़ते वक्त हमारे बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि ओके इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं तो आई शुड डू दैट, अदरवाइज फिर आप प्रवाह में बह जाओगे। वो होता है ना फ्लो में बह जाना कि चलो ट्रबल चल रहा है, ट्रबल में पढ़ते रहेंगे, पॉलिटिकल न्यूज चल रही है, चलो पॉलिटिकल न्यूज में बह जाते हैं। सो डोंट डू दैट। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, देखिए उस प्रीवियस ईयर पेपर को रटिए मत, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसे रट लोगे तो सेम एज इट इज क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहां पे आंसर बोथ है कि ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द मणिपुर, यार मणिपुर के सीएम और मणिपुर के गवर्नर दोनों का नाम एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सीएम एज वेल एज गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर जल्दी से। तब तक आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, चन्नापटना टॉयज आर फ्रॉम वुडन टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये बड़ा चर्चा में चल रहा है। लास्ट टाइम मोदी साहब ने भी इन टॉयज की बात की थी, 2015 के आसपास शायद इस टॉयज को जीआई टैग दिया गया था, शायद ईयर ऊपर नीचे हम डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। जी आप बीरेन सिंह सर सीएम है, अनुसुईया उइके मैम यहाँ पे गवर्नर है, कर्नाटका, ये कर्नाटका के टॉयज है, कर्नाटका के वुडन टॉयज बड़े फेमस है। सो इनको जीआई टैग 2005 में ही मिल गया था, सो इनिशियल फेज में ही इनको जीआई टैग मिल गया, जब दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला उसके बाद वन ऑफ द प्रोमिनेंट जीआई टैग इसको मानते हैं। तो अभी क्या हुआ, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो चाइना से टॉयज आ रहे थे उन टॉयज के ऊपर प्रोहिबिशन लगा दिया, बैन लगा दिया, बिकॉज ये जो टॉयज है कर्नाटका के अंदर बनते वुडन टॉयज, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही थी, ये बिजनेस लॉस में जाने का एक अनुमान लगाया जा रहा था, तो चाइना से जो टॉयज उसी वुडन एंगल में आते उनके ऊपर प्रोहिबिशन लगाया गया, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। सो दैट्स व्हाई इट वॉज इन न्यूज, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां पे गोमबगला औरू इज अ नेम ऑफ द टॉय टाउन, ये टॉय टाउन है जहां से ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम द कर्नाटका। द हिस्टोरिकल टिपू सुल्तान इज वन ऑफ द एट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूसिंग दिस वुडन टॉयज इन द करंट टाउन ऑफ द चन्नापटना। सो टिपू सुल्तान के समय से ये काफी फेमस कॉन्सेप्ट है जिसकी बात की जा रही है, लगभग हर घर में इस एरिया में हर घर में ये टॉयज बनाए जाते हैं, सो वेरी फेमस। याद रखना मैंने आपको लास्ट टाइम एक पॉइंट बताया था, इफ यू रिमेंबर मोदी साहब ने मन की बात, वन ऑफ द मन की बात, ये अभी वाला 100th मन की बात नहीं, प्रीवियस मन की बात में मोदी साहब ने एक पॉइंट मेंशन किया था कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम गुजरात में क्रिएट किया जाएगा, उसके लिए सारी प्रोसेसेस भी स्टार्ट हो चुकी है, और टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंडिया को सबसे ऊपर आना है। लास्ट टाइम बात की थी इफ यू रिमेंबर कि चाइना को रिप्लेस करने के लिए हम सारी कोशिश करेंगे, तो उसका एक एग्जांपल आपके सामने है, दैट विल बी इनफ ओवर हियर। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है, आप आराम से इसका आंसर कर पाएंगे। यहां पर प्रोहिबिशन की बात की है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इजिएस्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। यस, हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की, सो 1944 वाला पॉइंट तो एकदम सही है। वर्ल्ड बैंक इज कलेक्टिव नेम फॉर द आईबीआरडी एंड आईडीए, टू ऑफ द फाइव इंटरनेशनल अंडर वर्ल्ड बैंक ग्रुप, हमने कई बार ये डिस्कस किया इफ यू रिमेंबर। ये क्वेश्चन पूछा गया बिकॉज ऑफ द अजय बांगा सर जो नए हेड बने हैं वर्ल्ड बैंक के, सो इसीलिए सो आईसीएसआईडी, मीगा, सो वी टॉक, ये देखिए ये पांच ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलके वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है, और ये जो ऊपर के दो है ये मिलके वर्ल्ड बैंक बनता है। सो अगर केवल वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है इसका मतलब इन दोनों की बात हो रही है, अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात हो रही है तो इन पांचों की बात हो रही है। अजय बांगा सर ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के
प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक, मींस वर्ल्ड बैंक तो आएगा और वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी सबके वो प्रेसिडेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए कभी कभी क्या होता है, एक ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से परसों की ही बात है, कहीं पे मैं पढ़ रहा था, द क्वेश्चन वॉज वेरी ब्यूटिफुल और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। सो एक लोन को लेकर क्वेश्चन था कि हमें इस पर्पज के लिए कहां से लोन मिला। सो नॉर्मली आंसर उसका वर्ल्ड बैंक था, नॉर्मली उसका आंसर वर्ल्ड बैंक था, पर ऑप्शंस बड़े खूबसूरत लिखे गए थे। ऑप्शन ऐसा था, पहला फर्स्ट ऑप्शन वाज वर्ल्ड बैंक, सेकंड ऑप्शन वाज आईबीआरडी, थर्ड ऑप्शन वाज आईडीए, फोर्थ ऑप्शन वाज आईएफसी, फिफ्थ ऑप्शन वाज ऑल ऑफ द अबव। सो अब यहां पर कंफ्यूजन, क्योंकि हमने प्रत्येक वर्ल्ड बैंक पढ़ लिया, अब जिनकी पढ़ाई वन लाइनर की है, जिनकी पढ़ाई शो ऑफ की है, जिनकी पढ़ाई लास्ट मूवमेंट की है, वो ये मार्क करके आ जाएंगे, पर आंसर गलत है। वर्ल्ड बैंक के अंदर दो आते हैं। अब एग्जैक्टली किसने लोन दिया, आईबीआरडी ने दिया कि आईडीए ने दिया, तो वो लोन था आईबीआरडी के द्वारा, आंसर ये था, ये आंसर था, दिस इज कॉल्ड मोर एप्रोप्रिएट आंसर बिकॉज सारे ऑप्शन सिमिलर है। अब जिसे पता है उसे पता है। अब कुछ लोग होते हैं जिनको ऑल ऑफ द अबव से अलग मोहब्बत होती है, वो होते ना कि जिनको हर किसी से प्यार हो जाता है, वो टाइप के लोग, सो उन्होंने ऑल ऑफ द अबव मार्क कर लिया, उनको लगता है कि प्यार बांटने से बढ़ता है, पर यहां पे कम हो जाएगा मार्क्स। ओके, तो यहां पे ध्यान रखना ऑल ऑफ द अबव नहीं, आईएफसी प्राइवेट अथॉरिटीज को लोन देगा, प्राइवेट अथॉरिटीज को, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आईडीए नॉर्मली जो अंडर डेवलप कंट्रीज है और जहां पे सोशल डेवलपमेंट है, जैसे कोई एजुकेशन की योजनाएं होगी या फिर अंडर डेवलप कंट्रीज पकड़ लीजिए, यहां पे आईडी आएगा। सो आंसर वाज आईबीआरडी, ध्यान रखिएगा। सो रिमेंबर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन द एग्जाम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट, हमने मेरे ख्याल से इसके ऊपर सैटरडे के सेशन में बात की थी, फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट को लेकर। मैंने फॉर्मेशन कभी भी 1945 नहीं बताया, नेवर, आई ऑलवेज से फॉर्मेशन इज 1944, दे स्टार्टेड ऑपरेशंस फ्रॉम द 1945, सो आई नेवर सेड फॉर्म इन 1945, मैंने हमेशा कहा है कि उनके ऑपरेशंस 45 से स्टार्ट हुए हैं। यस, यहां पे कितने थे, हाउ मेनी कैन यू टेल मी, कितने स्ट्रीट प्रोजेक्ट्स की बात की थी, इफ यू रिमेंबर कितने तो आप जल्दी बता दीजिएगा। ये तो सही है, यहां पे तो कोई गड़बड़ नहीं है। प्रोजेक्ट सिक्स टू एनकरेज सेफ एंड हेल्दी फूड प्रैक्टिसेस, सो वी टॉक्ड अबाउट हाउ मेनी, कोई बताएगा जल्दी से, 100 की बात की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो मनसुख मंधिविया साहब ने इसके ऊपर बात की थी। यहां पे मैंने कहा था आपको हेल्थ मिनिस्ट्री के अलावा यहां पे अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री भी है, ये भी मिनिस्ट्री यहां पे रोल प्ले कर रही है, तो हरदीप सिंह पुरी साहब की मिनिस्ट्री यहां पे आती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने वैसे सैटरडे के सेशन के अंदर इसके बारे में बात की थी। चलो तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस, आज थोड़े से क्वेश्चंस ज्यादा हमने डिस्कस कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज वापस रिपीट करना चाहता हूं, 3 सेशन होगा और वहां पे भी हम रिसेंट करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी की एग्जाम काफी बड़ी है, 80 क्वेश्चंस फेज 1 में आते हैं, फेज 2 के अंदर इकोनॉमिक सोशल इश्यू फाइनेंस मैनेजमेंट के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी नजरिए से उसी तरीके से वो सेशन आज कंडक्ट किया जाएगा, 3 आना मत भूलिएगा। दोस्तों ईपीएफओ एसएससी की भी हमारी कुछ बैचेस चल रही है, इन बैचेस में या फिर कोई और भी एग्जाम की बैचेस में अगर आपको एनरोल करना है तो ये आप कोड यूज करेंगे जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी एनरोल कर चुके तो यू कैन रेफर टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी आप रेफर कर सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं सेशन को। गाइज आज जो न्यूज डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी सी एट रैंडम न्यूज है, के मींस बीच में नेशनल बीच में इंटरनेशनल, सो आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा एंड इनिशियली सॉरी कह देता हूं, बट विल स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहला हम बात करेंगे रेड क्रॉस डे, ये आज नहीं मनाया जा रहा है, इसे 8 मई को मींस कल मनाया गया था, ध्यान रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए नहीं तो अगर आज मनाते तो मैं स्टार्टिंग में इसे डिस्कस करता, मैं इसे बाद में डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज इट वॉज सेलिब्रेटेड एस्टरडे, कल हमारा सेशन नहीं हुआ था तो इसलिए इसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, रेड क्रॉस डे, ध्यान दीजिएगा।
सो रेड क्रॉस डे की बात करें तो 17 फेब 1863 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था के, और ये इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1917, 1944, 1963। तो ध्यान रखिएगा, दे गॉट द नोबेल प्राइज थ्री टाइम्स, तीन बार नोबेल प्राइज है और जिनीवा के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। अबे रेड क्रॉस करता क्या है? बेसिकली रेड क्रॉस का पर्पस या रेड क्रॉस ये ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है कि जिस किसी कंट्री में कुछ ट्रबल्स चल रहे होंगे हेल्थ को लेके या किसी कोई भी सोशल एंगल में, तो ये लोग मदद करते हैं। सोशल हेल्प इनका बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली हेल्थ के एंगल में। सपोज कहीं पे भुखमरी आ गई, कहीं पे वॉर चल रहा होगा, कहीं पे माइग्रेशन वाला बहुत बड़ा इश्यू हो गया होगा, तो वहां पे हेल्थ रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए काफी, नॉट ओनली ऑन द हेल्थ, बाकी भी सोशल एंगल में काम करते हैं, बट ये थोड़ा प्रोमिनेंट है। सो इसी एंगल में इसे बनाया गया। सो हेडक्वार्टर एंड कब बनाया गया ध्यान रखिएगा। इस बार का थीम देखते हैं, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टैगलाइन। ये टैगलाइन कई जगहों पर बहुत अच्छी सूट होती है, पर यह थीम करके सेलिब्रेट किया जा रहा है इस बार का रेड क्रॉस डे। दैट्स इट। सो अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों। बस यहां पे ध्यान रखना, तीन बार इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया, नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया फॉर देयर वर्क। चलो अब ऑफिशियल पहली न्यूज। सो दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रीज फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ के अंदर इसे इनॉग्रेट किया गया, एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। आ गया पहला क्वेश्चन और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कि एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहां पे ओपन किया गया या कहां पे इनॉग्रेट किया गया। सो चंडीगढ़ के अंदर हमारे रक्षा मंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री भी यहां पे प्रेजेंट थे। यार मुझे एक बात बताइए, एयरफोर्स डे कब होता है? इंडिया का एयरफोर्स डे कब होता है, डे बता दीजिए। वी आर चौधरी सर एयरफोर्स के हेड है, वी नो दैट, बट एयरफोर्स डे कब मनाते जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। यस, 8th of October 1932 में बेसिकली एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का गठन किया गया था 1932, 8th of October, तब हम ये डे मनाते हैं। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अब देखिएगा, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इसे कल इनॉग्रेट किया। फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंटर फॉर साइबर ऑप्स एंड सिक्योरिटी, इसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेरिटेज सेंटर तो है, एयरफोर्स का जो हेरिटेज सेंटर है वो है, साथ में सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी, इसका भी फाउंडेशन स्टोन राजनाथ सिंह साहब के द्वारा रखा गया। अब ना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो सेंटर है इसका ऑपरेशन या इसका फाउंडेशन स्टोन जो है किस मिनिस्टर के द्वारा रखा गया। कई बार यहां पर गड़बड़ी हो सकती है, बिकॉज यहां पर साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी लिखा गया है। सो हम अमित शाह सर का भी नाम लिख सकते हैं, मोदी साहब का भी नाम आ सकता है, तो याद रखिएगा गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए ये बहुत जरूरी होगा। अब हेरिटेज सेंटर विल कंप्राइज द आर्टिफैक्ट्स, सिम्युलेटर, इंटरैक्टिव बोर्ड्स, वेरियस फैसेट्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। सो इंडियन एयरफोर्स के हेरिटेज के बारे में यहां पे चीजें मेंशन की गई है, तो वही पॉइंट यहां पे रहेगा। पहला हमारा प्लेन, उसकी हिस्ट्री, सो यही हेरिटेज नाम पढ़ के ही वो चीजें हमें काफी अच्छे से रियलाइज या समझ में आ जाती है। दैट द केस ओवर हियर। अब एक और न्यूज है डिफेंस को लेके, पर इस बार नेवी की बात करेंगे। आईएनएस मगर डिकमिशन्ड आफ्टर 36 इयर्स ऑफ सर्विस। नाउ दिस इज द शिप, इस शिप की बात हो रही है, ये डिकमिशन्ड हो गया। डिकमिशन का मतलब है कि अभी इसे यूज नहीं करेंगे, अभी नेवी इसे अपने ऑपरेशनल पर्पजेस के लिए यूज नहीं करेगी, डिकमिशन्ड किया गया। डीकमीशन करने के बाद क्या करेंगे वो नेवी पे डिपेंड करेगा, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। अब इस शिप की बात करते हैं, देखिए द शिप वॉज बिल्ड बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता। इट वॉज लॉन्च इन 1984 एंड कमीशनड इन 1987। सो 1987 में कमीशन हुआ, इसका जो काम है वो 84 में स्टार्ट हुआ। मीन्स इस शिप को बनाने की प्रोसेस 84 में स्टार्ट हुई, शिप बनके ट्रायल्स होने के बाद फिर उसे कमीशन करते हैं, फिर उसे नेवी को सुपुर्द करते हैं, तो 87 में इसे सुपुर्द किया गया। ध्यान रखिएगा ये हमारी खुद की बनाई हुई शिप है, के हमने इसे खुद क्रिएट किया था बाय द कंपनी कॉल्ड एज गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। याद रखना यह बहुत बड़ा पॉइंट है, और ऐसे शिप्स को लेकर नॉर्मली यही पे क्वेश्चन आता है। एक और पॉइंट, एम्फीबियस असॉल्ट शिप।
अबे एम्फीबियस असॉल्ट शिप का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, इज द टाइप ऑफ एम्फीबियस वॉरफेयर शिप एम्प्लॉयड टू लैंड एंड सपोर्ट ग्राउंड फोर्सेस ऑन एनिमी टेरिटोरी बाय एन एम्फीबियस असॉल्ट। सो सपोज फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में हमें किसी कंट्री के अंदर हमारी आर्मी चली गई, वहां पे वॉर चल रहा है, सो ये शिप ग्राउंड फोर्सेस को भी मदद करने के लिए बनाई जाएगी। तो एम्फीबियस है, केवल समुद्र में ही वर्क करेगी ऐसा नहीं है। सो ग्राउंड फोर्सेस अगर वर्क कर रहे हैं तो ये पोर्ट पर रह के ग्राउंड फोर्सेस को भी हेल्प करेगी। तो वन ऑफ द एम्फीबियस शिप ऑफ इंडियन नेवी जो अभी रिटायर हो गई, ऑफिशियली उसे डीकमीशन किया गया 87 में, इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे, इसे कमीशन किया गया था, ध्यान रखिएगा। बाकी तो इनफ रहेगा, दिस इज एम्फीबियस शिप, ये सबसे मेन पॉइंट है एग्जाम के लिए। और नाम इसका याद रखिए, नाम भी वैसे ही दिया हुआ है, मगर क्रोकोडाइल हम कहते हैं ना कई बार, तो इसका भी नेचर एम्फीबियस टाइप का ही होता है, तो बस उसी तरीके से इसका नाम रखा गया था और ये अभी रिटायर हो गया। दैट विल बी द केस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज। नाउ दिस इज द बिग न्यूज, इंडिया बैन्स एप्पल इंपोर्ट एग्जम्प्ट भूटान। एप्पल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट की बात नहीं हो रही है, इंडिया ने बैन लगाया है एप्पल के इंपोर्ट के ऊपर एक्सेप्ट भूटान। सो भूटान से जो एप्पल आएंगे उनके ऊपर बैन नहीं है, बाकी जो एप्पल्स आ रहे हैं इनके ऊपर बैन लगाया गया है, पर सारे एप्पल्स के ऊपर नहीं है। कौन से, ध्यान दीजिए, द इंपोर्ट पॉलिसी रिमेंस फ्री फॉर दोज एप्पल्स कॉस्टिंग अबाउ 50 रुपीज पर किलोग्राम। तो जो एप्पल 50 रुपए से ज्यादा वाले है इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अभी भी फ्री रहेगा, उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं लगेगा। बट जो 50 रुपए से कम वाले एप्पल्स थे और जो बाहर कंट्रीज से आते थे उनके ऊपर बैन लगाया गया। अब गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट यह है, डीजीएफटी डिड नॉट स्पेसिफाई एनी रीजन इट्स नोटिफिकेशन एज टू व्हाई द अमेंडमेंट इन एप्पल इंपोर्ट पॉलिसी वाज नीडेड। सो ऐसा कोई स्पेसिफिकली मेंशन, इसका फुल फॉर्म कोई बताएगा, डीजीएफटी का फुल फॉर्म क्या? तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सिनेरियो यहां पे कोई स्टेटमेंट या कोई ऑफिशियल रीजन नहीं बताया, पर रीजन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, डोंट वरी। डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हमारे ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है और सारंगी सर ये फिलहाल डायरेक्टर जनरल है फॉरेन ट्रेड के। सो डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वर्क्स अंडर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, पीयूष गोयल सर मिनिस्टर है और डीजीएफटी के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है सारंगी सर, ये फिलहाल उसके हेड है, इंचार्ज है। अब ध्यान दीजिए क्यों लगाया जा रहा है, टर्की इटली इन कंट्रीज से, ईरान, टर्की इटली एंड ईरान, ये तीन कंट्री सबसे ज्यादा यहां से एप्पल्स इंडिया में आते हैं, काफी ज्यादा एप्पल्स आते हैं, सस्ते वाले, बहुत सस्ते वाले। सो ईरान से जो एप्पल्स आ रहे दे आर, जो सस्ते एप्पल्स आ रहे 50 रुपीज से कम वाले, दे आर हैम्परिंग द बिजनेस ऑफ कश्मीरी एप्पल्स, जो कश्मीर के हमारे एप्पल्स है उस बिजनेस को काफी हैम्पर कर रहे। तो एक बात याद रखिए, कई बार क्या होता है कोई चीजें, जैसे हमारे तभी एक दोस्त ने एंटी डंपिंग ड्यूटी का नाम मेंशन किया था कमेंट सेक्शन में, तो चलो उन्हीं का रेफरेंस लेते हैं। दोस्तों कई बार चीप इंपोर्ट में सस्ता इंपोर्ट इंडिया के बिजनेस को हैम्पर करता है, इंडिया के बिजनेस को लॉस में ले जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, तो हम ये जो सस्ता इंपोर्ट है इसके ऊपर टैक्सेस लगाते हैं, उसको हम कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। वो जानबूझ के वो प्राइजेस कम किए जाते ताकि इंडियन बिजनेस को लॉस में डाला जाए, चाइना की ये बहुत बार सोच रहती है। तो चाइना से जो चीजें आती है उनके ऊपर कई बार हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, तो उससे क्या होगा कि हम इंपोर्ट को रोकेंगे नहीं, इंपोर्ट आएगा उसके ऊपर बहुत टैक्सेस लगाएंगे तो उसकी प्राइस और इंडियन कमोडिटी की प्राइस ऑलमोस्ट सेम कर देंगे टैक्सेस लगा के। यहां पर वो नहीं हो रहा है, बिकॉज यहां पे ना टर्की ना इटली ना ईरान ये कंट्रीज डंपिंग नहीं कर रही है, ये जेन्युइनली प्राइजेस कम है, उनके प्राइजेस जेन्युइनली कम है, बट उससे इंडियन बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट तो हो रहा है। तो ड्यूटीज लगाने के जगह हमने उनके ऊपर प्रोहिबिशंस लगा दिए कि ठीक है भूटान छोड़ के, भूटान के लिए सब कुछ सही रहेगा, इनके लिए थोड़ा सा ये आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली आ नहीं सकते, ये आ सकते हैं, पर जो नॉर्मल टैक्सेस लगते हैं वो लगते हैं, अदरवाइज यहां पर सब कुछ फ्री था, यहां पे अदरवाइज सब कुछ फ्री है क्योंकि इनके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लग रहे थे अभी तक, एब्सोल्युटली जीरो टैक्स,
एब्सोल्युटली जीरो टैक्स. ओके, अभी भी जीरो लगेंगे अगर 50 रुपए से ज्यादा की वैल्यूएशन होगी, 50 से कम की वैल्यूएशन है तो फिर प्रोहिबिशंस लगाए गए हैं, रोक लगा दी गई है ताकि इंडियन बिजनेस हैम्पर ना हो. बट ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूं, मैंने इसीलिए ये लाइन पहले आपको बताई कि नो स्पेसिफिक ऑफिशियल रीजन गिवन बाय द डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. ठीक है, याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया वो इन जनरल डिस्कशंस है और सबको बताया कि यही पॉइंट है, बट स्पेसिफाई नहीं किया. क्योंकि क्या होता है, डब्ल्यूटीओ में चले गए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद है आपको कुछ दिनों पहले केस हुई थी सर्विसेज को लेके, यूरोपियन कंट्रीज के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेके भी. तो अगर डब्ल्यूटीओ में चले गए ऑफिशियल स्टेटमेंट को पकड़ के वाट लग सकती है, इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के गवर्नमेंट अपने स्टेटमेंट्स को देती है. दैट विल बी द केस, दैट्स इट. आगे बढ़ेंगे. साइक्लोन मोका इन ओडिशा, बे ऑफ बंगाल, 18 ओडिशा डिस्ट्रिक्ट्स इन हाई अलर्ट, रेन लाइकली टूडे. चलो अब ध्यान दीजिए, ये तो साइक्लोन आ रहा है. ठीक है, साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन कौन से रीजन में आएगा, डेट्स क्या रहेगी, दिस ऑल थिंग्स आर मेंशन ओवर हियर. अब हमारा डिस्कशन ये नहीं है, हमें बस इतना देखना है कि ये साइक्लोन का नाम क्या है. हमारा डिस्कशन होगा कि ये नाम का सिस्टम क्या है, ये नाम कैसे दिए जाते, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, उसके ऊपर बात करेंगे. ठीक है, अब ध्यान दो. सबसे पहले मुझे बताइए, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके हेड कौन है, इसके इंचार्ज कौन है, पहले जल्दी वो बता दीजिएगा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड और इंचार्ज कौन है. ये ओपन शायद ना हो, कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, ये वाला. देखिए, नेमिंग द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन. ओके, तो अभी बात करेंगे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जी है, मृत्युंजय मोहापात्रा सर उसके हेड है, इंचार्ज है. अब ना ये नेमिंग कैसे होता है, ये नाम कैसे दिए जाते हैं, तो ये नाम अकेला इंडिया नहीं देता, के ये नाम अकेला इंडिया के द्वारा नहीं दिए जाते. अब ध्यान दीजिए, मैं आपको एक पूरी लिस्ट दिखा देता हूं, ये यू कैन सी, ये 2020 के बाद वाली लिस्ट है, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. आप देखिए, नॉर्थ इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, इसके अंदर जो साइक्लोन्स आते हैं उन साइक्लोन्स को नाम कैसे दिए जाते हैं, ध्यान दीजिए, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर. अब ना नाम कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, पहले बांग्लादेश एक नाम देगा, के सो ये नाम, फिर उसके बाद सेकंड इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, इस तरीके से नाम नीचे नीचे आते हैं. देखिए, दिस नेम इज गिवन बाय यमन, यमन के द्वारा ये नाम दिया गया. अब हमारे एग्जामिनर बड़े ही ज्यादा उम्मीद रख के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रिसेंटली ओडिशा के कोस्ट पे ये साइक्लोन आया, दिस नेम वॉज गिवन बाय, ये नाम किसके द्वारा दिया गया. हमें लगता है ओडिशा के अंदर आया तो इंडिया ने नाम दिया होगा, हम बहुत भावुक हो जाते हैं कि हमारे यहां साइक्लोन आया तो दूसरा नाम कैसे देगा, हमने नाम दिया होगा, पर दिस नेम इज गिवन बाय यमन. तो जो इंडियन ओशन में, नॉर्दर्न इंडियन ओशन में जो कंट्रीज आ रही है, वो कंट्रीज बारी बारी ये नाम प्रोवाइड करेगी. ठीक है, अब देखिएगा ये नाम कैसा है. अब ये कॉलम वन खत्म हो गया, फिर कॉलम टू पे जाएंगे, फिर कॉलम थ्री पे जाएंगे, फिर कॉलम फोर पे जाएंगे, तो इस तरीके से टोटल 8 कॉलम दिए गए, सॉरी 8 नहीं, 13 कॉलम्स दिए गए, 13 कॉलम्स दिए गए. तो एक एक कंट्री को एक एक नाम बताने की सुविधा की आप एक नाम बताइए. तो एक साइक्लोन हो गया, फिर दूसरा, छोटा साइक्लोन हो बड़ा साइक्लोन हो वो बारी बारी नाम आएंगे. ऐसे 13 टोटल हमने कॉलम्स बना के रखे. वापस एक बार देख लेते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतार, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, यमन, तो ये कंट्रीज है. अब आप ये नहीं कह सकते हो कि सारसार इज नेम गिवन बाय पाकिस्तान तो हम इस साइक्लोन को नहीं मानेंगे. नाम दे दिया दे दिया, ये सिस्टम है, ये नेमिंग सिस्टम है, और इसी के भरोसे ये साइक्लोन्स के नाम डिसाइड किए जाते हैं. तो ये कंट्रीज, अब ध्यान दो, अब ये मत करना कि सारे नाम याद करते बैठो, नहीं तो फिर खतरनाक हो सकता है, फिर आप सारे नाम याद करते बैठोगे, पूरे के पूरे 13 कॉलम्स, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा और याद भी नहीं रहेगा. जो साइक्लोन न्यूज में चल रहा है वो नाम किस कंट्री के द्वारा दिया गया, बस उतना देख लो, उतना ही देख लो. तो करंट में,
करंट में अगर कोई साइक्लोन आता है तो उसका नाम किस कंट्री के द्वारा डिसाइड किया गया, उतना देखो आगे बढ़ो। तो इसका लिंक जो है वो ऑलरेडी मैंने डाल के रखा हुआ, अगर वो ओपन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, यहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अगेन दिस नेमिंग सिस्टम इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें इंटरफेरेंस नहीं किया हुआ है। ये जो भी नेमिंग सिस्टम आपको दिख रही है ये IMD का ब्रेन चाइल्ड है, ये हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये ब्रेन चाइल्ड है और हमारे द्वारा इस सिस्टम के ऊपर काम किया गया। ओके, सो याद रखिएगा ये केवल हमारे ही रीजन के लिए, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, इन दो रीजन्स में जो साइक्लोन्स आएंगे उनके लिए ये नाम है, बाकी कंट्रीज के लिए या बाकी एरियाज के लिए ये नाम यूज नहीं होंगे, ओनली फॉर द कंट्रीज सराउंडिंग बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, याद रखिएगा। चलो क्लियर। देखिए एक बात याद रखिएगा, यहां पे जो पॉइंट मेंशन किया गया, अब कोई साइक्लोन अगर आएगा तो वो केवल ओडिशा में ही आएगा ऐसा नहीं है ना, रेस्ट ऑफ द एरिया में भी ये आ सकता है, बाकी जो एरियाज है वहां पे भी ये साइक्लोन आ सकता है। तो याद रखिएगा कभी कभी कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पे बाकी रीजन्स के भी नाम लिखे जाते हैं, तो ये मत समझेगा कि केवल ओडिशा में ही आएगा या उसी के रीजन का नाम लिखा रहेगा। ओके, अब जैसे रायल सीमा रीजन is obviously not the part of Odisha, ये ओडिशा का पार्ट नहीं है, it comes under the lower part of the southern India, so याद रखेगा इस तरीके से point mention है कि कहां कहां पे वो hit करने वाला है, इतना बस point याद रखेगा। चलो anyways आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लेड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इज प्लानिंग टू मेक स्टेट मेडिकल हब बाय बिल्डिंग यूपी फर्स्ट फार्मा पार्क इन ललितपुर एंड सॉरी एंड सेटिंग अप द फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क इन गौतम बुद्ध नगर। ओके, अब यहां पे अगर मैं केवल करंट की बात करता हूं तो दो क्वेश्चंस बनेंगे, यूपी का उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहां पे बन रहा है, ललितपुर के अंदर। फार्मा पार्क का मतलब है फार्माकोलॉजिकल कंपनीज जो होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती है, उन कंपनीज का एक पार्क, मीन्स उस एरिया में केवल और केवल फार्मास्यूटिकल कंपनीज काम करेगी, तो उसके लिए एक। और दूसरा है मेडिकल डिवाइस पार्क, गौतम बुद्ध नगर की बात हो रही है। सो ये मेडिकल डिवाइस पार्क अगेन मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग को लेके। अब हमें यहां पे नहीं रुकना है, हमें केवल ये न्यूज नहीं देखनी है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज कवर की थी, वहां पर हम लोग जाते यस इफ यू रिमेंबर कैबिनेट अप्रूव्स द पॉलिसी फॉर द मेडिकल डिवाइस सेक्टर, अगर आपको याद होगा तो यहां पे देखिए 50 बिलियन नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमें मेडिकल डिवाइस के को ग्रो करना है, $50 बिलियन के वैल्यूएशन में ग्रो करना है, अगर आपको याद होगा तो। तो मोदी साहब ने ये कब अनाउंस किया देखिएगा, 26th of April 2023 कैबिनेट के द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया। तो हमने पॉइंट भी डिस्कस किया था कि मेडिकल डिवाइस पार्क मींस मेडिकल डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग पार्क की बात की थी। अब यहां पे देखिए कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने हैं, जस्ट ध्यान दीजिएगा। 4 मेडिकल डिवाइस पार्क्स इन द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। देखिए लिखा है यहां पे 4 मेडिकल डिवाइसेस पार्क्स इन द स्टेट ऑफ, यू कैन सी ओवर हियर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंदर हमें इन्हें डेवलप करना है। एक और पॉइंट लिखा गया है कि एक और पॉइंट यहां पे, टिल नाउ टोटल 26 प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड, टोटल अभी तक 26 प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं और 4 बड़े पार्क है, कौन से स्टेट में बनेंगे यह भी मेंशन किया गया, उसमें से एक पार्क उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा उसी के ऊपर यहां पे न्यूज मेंशन की गई है। जस्ट वन से गाइस, सो ये उत्तर प्रदेश वाला कहां पे बनेगा, गौतम बुद्ध नगर, इसके अलावा हिमाचल, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु यहां भी क्रिएट किए जाएंगे। टारगेट $50 बिलियन के वैल्यूएशन का है आने वाले 5 सालों के अंदर, एंड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी इसके लिए डेडिकेटेडली क्रिएट की गई है। अब न्यूज देखने के 2 नजरिए है, अगर आप प्रीवियस न्यूज के साथ उसे कंपेयर करके पढ़ते हो, उसके साथ लिंक करके पढ़ते हो, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा।
अगर आपको केवल इतना ही पढ़ना है कि एग्जैक्टली कहां पे क्रिएट हो रहा है, ललितपुर के अंदर एंड गौतम बुद्ध नगर के अंदर, इतना पढ़ के आगे बढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी, बट मार्क्स शायद कम मिलेंगे बिकॉज ये न्यूज स्टेट ओरिएंटेड ज्यादा लग रही है क्योंकि स्टेट के दो प्लेसेस की नाम है, पर बाकी भी स्टेट्स के अंदर हम मेडिकल डिवाइस पार्क ओपन कर रहे हैं जिसकी अनाउंसमेंट रिसेंटली गवर्नमेंट और कैबिनेट के द्वारा की गई, इसलिए मैंने वो पॉइंट आपको दिखा दिया, बाकी तो ज्यादा नहीं है, इतना इनफ रहेगा। वो लिंक भी पहले भी शेयर की थी, वापस एक बार शेयर कर दूंगा आपके नोट्स के अंदर। एक बात याद रखिए, एक ना बड़ा गंदा सा एक अप्रोच चलता है जो बहुत बहुत डेंजरस है। डेंजरस इसलिए क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि बेस को बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये आजकल चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों ही बेस बनाने में अपना टाइम बर्बाद करें, क्वेश्चन पूछते तो है नहीं। देखिए, जब आप किसी न्यूज को या किसी भी अवेयरनेस का बेस क्रिएट करते हो तो भले बेस के ऊपर क्वेश्चन ना आए, पर बाकी जो आप पढ़ोगे ये इसी की बदौलत आपको समझ में आएगा। अब जैसे हमने ये न्यूज पढ़ी, इसका बेस क्या था? जो हमने 26 अप्रैल को जो न्यूज पढ़ी है वो उसका बेस है। अगर आपको वही नहीं पता, अगर आप उसी से दूर भागते हो, अगर आप वही समझना नहीं चाहते हो, तो शायद आने वाले समय में जो भी करंट की न्यूज है वो आपको इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं प्रोवाइड करेगी क्योंकि आपने बेस को नेग्लेक्ट किया। सेम बैंकिंग अवेयरनेस का, इकोनॉमिक अवेयरनेस का होता है। माना कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते, बट पता तो होना चाहिए ना, व्हाट इज सेविंग अकाउंट, व्हाट इज करंट अकाउंट, व्हाट इज लायबिलिटी, व्हाट इज एसेट, व्हाट इज एनपीए। माना कि आज के डेट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, बट पता होना जरूरी है, तब जाके बाकी चीजें समझ में आएगी। नहीं तो फिर सिर्फ वही रटते रहो, ऊपर वाले कुछ से दुआ करते रहो और फिर एग्जाम में जाओ। अपनी मेहनत कम होती है और बाकी चीजें ज्यादा होती है, तो प्लीज वहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। एनीवेज, बॉर्डर हट बिटवीन इंडिया बांग्लादेश इनॉग्रेटेड एट द भोलागंज इन द सिलहेट। अब देखिए, बॉर्डर हट क्या कंसेप्ट है? बॉर्डर हट का मतलब बेसिकली कि इंडिया और दूसरी जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उसमें कुछ विलेजेस होते हैं, उस एरिया में कुछ विलेजेस है जो शायद दोनों कंट्रीज के संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस कंट्री का भी संस्कृति समझते हैं और यहां का भी, तो उस एरिया में एक हट बनाया जाएगा। मार्केट प्लेस, बेसिकली मार्केट प्लेस है कि यहां के भी लोग शॉपिंग कर सकते हैं, वहां से यहां के भी लोग शॉपिंग कर सकते हैं, तो एक मार्केट प्लेस रहेगी। इसको हम बॉर्डर हट कहते हैं कि बॉर्डर एरियाज में जो विलेजेस है उनके लिए। देखिए, बॉर्डर विलेजेस का डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, वो अलग योजना है के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज अ डिफरेंट स्कीम, उसको यहां पे मत डालना। ये बॉर्डर हट है इज ओनली फॉर कि थोड़ा फ्रेंडली एनवायरमेंट रहे और वहां के जो लोकल बिजनेसेस है, वहां के जो लोकल ट्रेडर्स है, उनका बिजनेस सही तरीके से चले, इसलिए बॉर्डर हट वाला कंसेप्ट है। बॉर्डर हट सबसे पहले हमने 2011 में बनाया था। देखिए, 2011 में सबसे पहले इस कंसेप्ट को बनाया गया मेघालय के अंदर। सो मेघालय, यू कैन सी, आप यहां देख सकते हो, सबसे पहले यहां पे क्रिएट किया गया, तो उसी की बात मेंशन की गई है। सो टोटल आज की डेट में हमारे पास चार बॉर्डर हट है, इसे पकड़ के टोटल चार बॉर्डर हट हो गए। सबसे पहला बॉर्डर हट आप यहां पर देख सकते हो, 2011 बांग्लादेश, ओके, सॉरी मेघालय with the Bangladesh, but obvious, that's it, that will be enough for the exam point of view. आगे बढ़ते हैं। Teacher to rockstar KK Shailaja on her new book My Life as a Comrade. KK Shailaja ma'am is very very famous. अब जो लोग नहीं जानते होंगे इनके बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा। KK Shailaja ma'am ये केरला की हेल्थ मिनिस्टर हुआ करती थी जब पहली बार कोविड आया था, पहली दो वेव्स कोविड की, फर्स्ट टू वेव्स कोविड की, शी वॉज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला एंड शी डिड अमेजिंगली ब्यूटिफुल जॉब टू हैंडल द कोविड। काफी अच्छा काम इन्होंने किया, इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूएन के द्वारा इनको अवार्ड मिला था यूएन ने। इसके अलावा यूरोपियन कमीशन के द्वारा भी इनको अवार्ड दिया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली ना केरला गवर्नमेंट को इसकी वैल्यू थी, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसकी वैल्यू थी, इनको नेक्स्ट टाइम फिर इनको मिनिस्टर ही नहीं बनाया। देखिए, इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि जो अच्छा काम करता है उसकी वैल्यूएशन कम है, पर जो बहुत अच्छी बातें करता है उसकी वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा होती है। तो बातों की वैल्यूएशन ज्यादा है, काम की वैल्यूएशन कम है, पर कोई बात नहीं, ये खुद टीचर
टीचर से बिकम द पॉलिटिशियन एंड मिनिस्टर एंड डिड अमेजिंग जॉब. तो इनकी अपनी खुद की बुक आई है, बुक का नाम है माय लाइफ एज अ कॉम्रेड. कॉम्रेड बिकॉज ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, पर कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते इसका मतलब हमेशा निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग कम्युनिस्ट पार्टी को हमेशा निगेटिव नजर से ही देखते हैं, पर ऐसा नहीं है. शी इज रियली वेरी ब्रिलियंट. आउट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट अगर बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. एक टीचर बिकेम द हेल्थ मिनिस्टर, लिटरली टीचर किसी स्कूल में पढ़ाते थे और वहां से उन्होंने इतना बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन किया. अभी फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको एक पोस्ट पे अपॉइंट किया. गवर्नमेंट को भी यूएन अवार्ड दे रहा है, यूरोपियन कमीशन अवार्ड दे रहा है, तो गवर्नमेंट का तो ध्यान जाएगा. देखिए, पीएम सेंट्रल कमिटी फॉर नीपा वायरस आउटब्रेक, तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको सेंट्रल कमिटी पे अपॉइंट किया हुआ है कि आइए हमारे साथ मिलकर काम कीजिए. सो इररिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट ऐसे भी काम करती है. मीडिया ये नहीं दिखाता, ये होता है, ये पहले के गवर्नमेंट में भी हुआ करता था, अभी के गवर्नमेंट में भी होता है कि कुछ लोग जो बहुत अच्छे होते हैं, भले वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के होंगे, तो गवर्नमेंट उनको बुलाती है और साथ में मिलकर काम करती है. पर अगर ये बात मीडिया बता दे तो इसमें मिर्च मसाला नहीं रहेगा ना, इसमें वो टीआरपी वाला सीन नहीं रहेगा. तो बहुत बार मीडिया बताती नहीं है, पर ऐसा होता है. तो इनको भी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है. सो इनके लाइफ की बुक है, बड़े फेमस है, तो याद रखिएगा क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे, और ऐसे लोगों के बुक्स के ऊपर तो क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं एग्जाम के अंदर. चलो आगे बढ़ेंगे. इंडिया कुड बी कंसिडरिंग पार्टिसिपेटिंग इन द लेटेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंट इनिशिएटिव G7 पायलटेड क्लाइमेट क्लब. ध्यान दीजिए, क्लाइमेट क्लब, अब ना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्लाइमेट क्लब वाज इन न्यूज रिसेंटली, दिस क्लाइमेट क्लब इज क्रिएटेड बाय G7. ये क्लाइमेट क्लब कॉन्सेप्ट G7 के द्वारा बनाया गया. जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए G7 कंट्रीज कौन सी है, और इस बार का G7 का मीटिंग कौन से शहर और कौन से कंट्री में है, जल्दी बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर. अब देखिए, इंडिया कुड बी कंसिडरिंग पार्टिसिपेशन इन द लेटेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंट इनिशिएटिव क्लाइमेट क्लब. सो इस क्लब के अंदर इंडिया पार्टिसिपेट करना चाहता है और इंडिया पार्टिसिपेट करेगा. ये क्लाइमेट क्लब क्या है, तो बेसिकली क्लाइमेट एक्शन के लिए या क्लाइमेट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए G7 कंट्रीज एक क्लब क्रिएट कर रही है, जिसके थ्रू फास्ट ट्रैक एक्शंस ली जाएगी, जिसके थ्रू अलग अलग कंट्रीज को फास्ट ट्रैक तरीके से मदद की जाएगी क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्लाइमेट रिलेटेड फंडिंग्स को सॉल्व करने के लिए. इसका डिटेलिंग आने वाले समय में आएगा, बिकॉज ये अभी तक प्रॉपरली बना नहीं है. जब ये प्रॉपरली क्रिएट हो जाएगा, तो हिरोशिमा के अंदर जो G7 का मीटिंग है, हिरोशिमा जापान में जो G7 का मीटिंग है, उस मीटिंग में इसके बारे में अनाउंसमेंट बहुत जल्दी की जाएगी, ध्यान रखिएगा. सो दिस इज द क्लाइमेट क्लब. इंडिया वॉन्ट्स टू, अभी तक ये क्लब प्रॉपरली ऑफिशियली बना नहीं है, और इंडिया ने भी ऑफिशियली इसे ज्वाइन नहीं किया है, पर G7 कंट्रीज इस क्लब को बना रही है. ओके, सो G7 कंट्रीज, USA, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन तो आता ही है, ठीक है, इसको साइड में कर देंगे, UK, कनाडा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कंट्रीज है, और साथ में यूरोपियन यूनियन भी आता है. सो याद रखना, कनाडा, UK, USA, फ्रांस, जापान, इटली एंड जर्मनी, दीज आर द G7 कंट्रीज. ओके, ये लास्ट ईयर का फोटो है. ओके, इस बार का मीटिंग जापान हिरोशिमा के अंदर है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी पॉइंट रहेगा. इंडिया भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, पीएम साहब भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, पर एज अ गेस्ट हमें बुलाया जा रहा है, नॉट एज अ मेंबर, याद रखिएगा. सो दैट्स इट, क्लाइमेट क्लब क्रिएटेड बाय G7 कंट्री, इंडिया वांट्स टू बिकम द पार्ट ऑफ इट, देन बाकी इंफॉर्मेशन G7 को लेके. चलो आगे बढ़ते हैं. MVMSS गैलेना द वेसल फ्लैग्ड ऑफ बाय द शंतनु ठाकुर सर, जो हमारे पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री के लिए काम करते, ध्यान दीजिए. अब लास्ट टाइम ना इन्होंने जब फ्लैग्ड ऑफ किया था, तब सिटवे पोर्ट वाली बात की थी, याद है, म्यांमार का सिटवे पोर्ट. कोई बताएगा मुझे वो जो सिटवे पोर्ट वाला न्यूज था, उसमें कौन से प्रोजेक्ट की बात की थी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, कैन यू गिव मी द नेम ऑफ दैट प्रोजेक्ट, कि इंडिया से समुन्दर से शिप म्यांमार जाएगी, फिर वहां से इनलैंड वाटरवे, फिर वहां से बाय रोड इट विल अगेन एंटर इन टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. सो कैन यू गिव मी द नेम ऑफ दैट प्रोजेक्ट, कोई नाम बताएगा? यस, जल्दी से.
कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, यस बहुत बढ़िया, ओके कलादान प्रोजेक्ट की बात करेंगे एब्सोल्युटली। अब ये जो शिप है ये वो वाला नहीं है, ये वो वाला शिप नहीं है, यहां पे बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, मालदीव्स की, इंडिया एंड मालदीव्स की। सो ये शिप बेसिकली मालदीव्स जा रहा है, सो ये ट्रांसपोर्ट वाला शिप है, ये सामान वाला शिप है जिसे हम तो जो इंडिया मालदीव्स का रिलेशनशिप है उसी को लेके ये है। अगेन नेबरहुड फर्स्ट इज अवर पॉलिसी, सागर नाम की भी हमारी पॉलिसी, लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे राजनाथ सिंह सर ये गए थे मालदीव्स, माले गए थे, तो उनको उनको दो शिप्स दी गई, क्राफ्ट दिया गया, साथ में एक फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया कोस्ट गार्ड्स के उस हार्बर के लिए, अगर आपको याद होगा, और ये शिप भी अभी रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ किया गया। ये ट्रांसपोर्टेशन के एंगल में, दैट्स इट। सो ये मालदीव्स वाला न्यूज है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट वाला जो न्यूज हमने कवर किया था वो म्यांमार सिटवे प्रोजेक्ट को लेकर था, दैट्स इट। चलो, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपॉइंट्स इंडियन अमेरिकन नीरा टार्डेन एज हिज डेमोक्रेटिक पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर। ध्यान दीजिए, डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर के तौर पे एक और इंडियन ओरिजिन पर्सन को अपॉइंट किया गया। नीरा मैम का जन्म वैसे यूएस का ही है, इनके पेरेंट्स इंडिया से यूएस शिफ्ट हो गए थे, उनका जन्म यूएस का ही है। देन शी स्टार्टेड मीन्स आफ्टर हर ग्रेजुएशन शी स्टार्टेड हर पॉलिटिकल करियर एंड नाउ बिकम द डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर। डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे देश में होता है ना होम मिनिस्टर, जैसे होम मिनिस्टर होता है वैसा ही कंसेप्ट यहां पे है। तो यहां पे सीन ऐसा है कि यहां पे मिनिस्टर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यूएस के अंदर सेक्रेटरी कॉन्सेप्ट होता है और एक एडवाइजर वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को जो एडवाइस करते हैं इंटरनल बातों में, उस पोजिशन पे अभी मैम काम करेंगे कि यूएस के अंदर क्या करना इंटरनली, सो शी विल बी द हेड। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड शी इज द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू लीड द व्हाइट हाउस एडवाइजरी काउंसिल मेकिंग हर अपॉइंटमेंट हिस्टोरिकल। सो पूरे व्हाइट हाउस के एडवाइजरी काउंसिल की ये हेड बनेगी अभी, मींस जो भी एडवाइसेस प्रोवाइड करते हैं अलग अलग फील्ड के प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को, उनको लीड मैम करे। जिसमें हमारे देश में कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो सारे मिनिस्ट्रीज को हैंडल करता है, वैसे ही मैम का रोल रहेगा। सो है ना, बहुत बड़ा रोल है, जैसे इंडिया में राजू गौबा साहब का रोल बहुत बड़ा होता है, वैसे ही मैम का भी रोल यूएस में बहुत बड़ा रहेगा। सो क्वेश्चन यहां पे भी आपके लिए बन सकते हैं। जी आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार लॉन्चेस थर्ड फेज ऑफ थैलेसेमिया बाल सेवा योजना। नाउ थैलेसेमिया अवेयरनेस डे कल ऑब्जर्व किया गया 8 मई को, अगेन ध्यान रखना यहां पे भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। सो 8 मई रेड क्रॉस डे तो था, साथ में थैलेसीमिया डे भी था। थैलेसीमिया होता क्या, जेनेटिकल रीजंस के वजह से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है। देखिए एनीमिया पता है आपको, एनीमिया के अंदर आरबीसी सही तरीके से नहीं बनते, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाती है, पर एनीमिया इज ड्यू टू आपकी ईटिंग हैबिट सही नहीं है, एक एज के साथ आता है, ब्लड लॉस काफी हो गया, तो एनीमिया दिखाई देगा। थैलेसीमिया लास्ट में मिया ही है, थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, ड्यू टू जेनेटिक रीजंस बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाता है। तो उसी थैलेसीमिया को लेके बाल सेवा योजना, बिकॉज ये बचपन से हो रहा है ना, ये बाय बर्थ हो रहा है आपको, तो 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस योजना की शुरुआत की थी, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। उसी का थर्ड फेज यहां पे डॉक्टर भारती प्रवीण पवार मैम जो मिनिस्टर है मनसुख मंदिया सर के अंडर ये काम करते हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। अगेन व्हाट इज थैलेसीमिया, थैलेसीमिया डे 8 मई को मनाते हैं, और इस बार जो बाल सेवा योजना है 2017 में बनाई गई, उसका थर्ड फेज लॉन्च किया गया। एक और पॉइंट दोस्तों, थैलेसीमिया डे जो हम 8 मई को मनाते हैं, वो इस बार का थीम बी अवेयर शेयर केयर, बी अवेयर एंड शेयर केयर। सो लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों को हो रहा है ना, और ये रेयर डिजीज है, तो थोड़ा सा डिस्कशन करना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत जरूरी है, इसीलिए पॉइंट मेंशन किया गया, बाकी तो इनफ रहेगा एग्जाम के लिए। चलो, एनसीजीजी कंप्लीट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स। अब ये एनसीजीजी क्या है,
नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, ध्यान रखना, भारत लाल सर इसके फिलहाल हेड है, इसके फिलहाल इंचार्ज है, और 2014 में इस सेंटर को ऑफिशियली क्रिएट किया गया। तो इस सेंटर के द्वारा बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दिया गया। नॉर्मली इंडिया में जितनी नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान और चाइना छोड़ के, नेबरिंग कंट्रीज के सिविल सर्वेंट्स को, उनके पुलिस ऑफिसर्स को, उनके मिलिट्री पर्सोनल को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ये बहुत कॉमन है, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, द पीपल आर कमिंग, वी आर गिविंग। लास्ट टाइम तो अफगानिस्तान की भी बात हुई थी, याद है आपको, हमने डिस्कस किया था। सो यहां पे भी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, भारत लाल सर इसके हेड है और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर, इनके द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये तो बाकी तो बहुत इजी है, एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा कि गुड गवर्नेंस डे हमारे देश में कब मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे हमारे देश में कब मनाया जाता है। दिस इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NCGG जी, जल्दी बता दीजिए गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सर की बर्थ एनिवर्सरी 25th ऑफ दिसंबर को होती है, 25 दिसंबर को होती है, और तब हम ये डे मनाते हैं। सो अटल बिहारी वाजपेयी साहब गुड गवर्नेंस के लिए बहुत जाने जाते थे अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज, वेरी रिस्पेक्टेबल, वेरी वेल नोन पर्सन, भारत रत्न अवार्ड से उनको नवाजा गया है। सो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात करेंगे, उनके बर्थ एनिवर्सरी को ये हम लोग मनाते हैं। चलो दोस्तों स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे। मैक्स वेरस्टैपन अगेन वन द F1 चैंपियनशिप, मियामी ग्रैंड प्रिक्स था एंड ही वन दिस मियामी ग्रैंड प्रिक्स। ध्यान रखिएगा मैक्स वेरस्टैपन, ही प्लेस फॉर द रेडबुल, रेडबुल के लिए खेलते हैं, लास्ट टाइम के चैंपियन भी रह चुके एंड ही वन दिस ग्रैंड प्रिक्स। ध्यान रखिए उन्हीं के जो रूममेट, सॉरी रूममेट कह रहा हूं मैं, टीममेट, पता नहीं हॉस्टल वाले दिन शायद याद आ गए दिमाग में, सर्जियो पेरेस साहब की बात करेंगे। सो ही बिकम द सेकेंड, सो याद रखिएगा। कभी कभी आ जाता है पुराने दोस्तों को मिलने के बाद वही चीजें याद रह जाती है, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट। यस प्रवीण चित्रावेल सेट्स द नेशनल रिकॉर्ड इन ट्रिपल जंप इन क्यूबा। क्यूबा के अंदर एथलेटिक चैंपियनशिप चल रही थी एंड इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया 17.37 मीटर्स। ध्यान रखिएगा के सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए अलग अलग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अगर आप काफी अच्छा परफॉर्म करते हो तो वो नेशनल रिकॉर्ड में भी उसे इंक्लूड किया जाएगा। नेशनल रिकॉर्ड केवल नेशनल गेम्स के भरोसे डिसाइड नहीं होंगे, इंटरनेशनली खेलने के बाद भी आपके डिसाइड हो सकते हैं। तो वही पॉइंट है, बस याद रखना कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था, क्यूबा के अंदर हवाना इज अ कैपिटल। देन कार्लोस अल्काराज मैड्रिड ओपन, मैड्रिड ओपन में लास्ट मूवमेंट पे राफेल नडाल साहब ने बैकआउट कर दिया, तो थोड़ा सा इजी बन गया इनके लिए मैड्रिड ओपन। अगेन ये स्पेन के ही प्लेयर है कार्लोस अल्काराज एंड ही वन लास्ट ईयर, ही वाज द वर्ल्ड नंबर वन टेनिस प्लेयर। मैड्रिड ओपन ये वन ऑफ द टूर्नामेंट है, नॉट द बिग टूर्नामेंट बट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट एंड वन बाय द कार्लोस अल्काराज। ध्यान रखिएगा ही इज फ्रॉम स्पेन ओनली, स्पेन से ही बिलोंग करते हैं। नॉर्मली हमारे पास बड़ी टेनिस टूर्नामेंट्स है, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन। यहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं विंबलडन ग्रास कोर्ट पे, ऑस्ट्रेलियन यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे एंड फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे। कार्लोस अल्काराज एंड राफेल नडाल दोनों क्ले कोर्ट के लिए बड़े फेमस है। राफेल नडाल साहब तो क्ले कोर्ट के बादशाह माना जाता है, क्ले कोर्ट पे हराना उनको बड़ा डिफिकल्ट बन जाता है, बट अभी अल्काराज साहब भी क्ले कोर्ट के बादशाह माने जाएंगे आने वाले समय में। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कोरिया में खेली जा रही है, वहां पे इंडिया को दो मेडल्स मिले, एक जर्मी लारुंग नुंगा विंस द सिल्वर मेडल, और इनके अलावा एक और मेडल हमारे पास है वो भी सिल्वर है, टू दी बिंद्या रानी देवी। सो दोनों एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप कोरिया के अंदर एंड वी गॉट द टू सिल्वर मेडल्स ओवर ईयर, दोनों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए है। सो That's all. अभी होमवर्क पे जाते हैं। BRO has celebrated 64th Foundation Day. Who is the current Director General of the Border Road Organization? हमने last time discuss भी किया था। World Athletics Day कब मनाते हैं? And cash free payment partner with which bank to offer international payment collection? So ये एक और point आपके सामने। तो तीन questions हैं। तीनों questions के answer आपको lecture के बाद comment section के अंदर डालने हैं।
दोस्तों 3 बजे एक और सेशन हमारा होगा, पर उसके पहले ईपीएफ और एसएससी बैचेस में अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो यू कैन यूज दिस कोड, आप ये कोड यूज कर सकते हो जिसे टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा वापस एक बार बता रहा हूं कि 3 बजे सेशन होगा जहां पे हम बात करेंगे आरबीआई ग्रेड बी के एंगल में, साथ में 2 मास्टर क्लासेस भी हमारी रहेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा दोस्तों।